हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कोड 103 के बारे में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोज और सिद्धांतों का प्रयोग का कथन किसका है, यानी कि कॉल सेनिक। ऑप्शन अ इज अ राइट आंसर। कॉल सेनिक ने क्या कहा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञानिक की खोज और सिद्धांत का प्रयोग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अर्थ शिक्षा में सामाजिक प्रक्रिया तथा मनोवैज्ञानिक में व्यवहारिक विज्ञान से है, यह कथन किसका है, स्किनर का है। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक का अर्थ है और शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक क्या है, विज्ञान है। किसका है, तो स्किनर का यह द्वारा कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विज्ञान मनोविज्ञान बिना मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक सीखने का अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है, यानी कि आप जब से पैदा होते हैं और मरण तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो यह किसका कथन है, तो ट्रो का है। ठीक है, ऑप्शन अ इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है, ट्रू और ट्रो का है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि जो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, या चीज़ों को अध्ययन करते हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षक विकास का, उससे हम क्या कहते हैं, उसका आंसर क्या है आपका, ठीक है, CH जुट का है। ठीक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का शैक्षिक वातावरण, ठीक है, शैक्षिक वातावरण आपका क्या होगा, तो यह क्रेश का है। किसका है, क्रेश का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा है जो किसी विद्यालय अधिगम की प्रगति दशा निरंतरता एवं मूल्यांकन से जुड़ी है, यह कथन किसका है, तो ओश वुल का है। ठीक है, ओश वुल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा के मनोविज्ञान सिद्धांत तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यह कथन किसका है, तो जेम्स ड्रेवर का है। जेम्स ड्रेवर्स क्या कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक है और मनोवैज्ञानिक का ही शाखा है जो विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों को प्रयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, कथन किसका, जेम्स ड्रेवर का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एट था। अब बात करेंगे नाइन क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का मुख्य संबंध सीखने से है और यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप संबंधित रखता है, तो इससे किसका कथन है, तो सारे व टेल फोर्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर टेन, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मानव प्रक्रिया के शिक्षण और सीखने को प्रभावित करता है एवं वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका है, तो एलिस क्रो का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा विज्ञान है, यह कथन किसका है, ई ए पिल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक वातावरण से प्रतिक्रिया के रूप में शिष्यों अथवा व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो कश्यप एवं पूरी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, शैक्षिक वातावरण स्वरूप छात्रों अथवा व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी जाती है, कथन किसका है, HR भाटिया का है। ठीक है, HR भाटिया का है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, तो आप इसका आंसर देंगे, तो क्या प्रकृति है, तो प्रकृति आपका है उपयुक्त सभी सकारात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, इनमें से कोई शामिल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा एवं मनोविज्ञान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसका मानना है, तो राष्ट्र का मानना है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है, तो प्लूटो के समय से माना जाता है शिक्षा का प्रारंभ। ठीक है, किसके शिक्षा दर्शन ने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ने पर बल दिया, तो रूसो के क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ने पर बल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ने के लिए आंदोलन का रूप किसने प्रदान किया, तो मॉन्टेसरी ने। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्रदान किया उपयुक्त सभी
ठीक है, मॉन्टेसरी ने, टर्मन ने और स्टेनन हॉल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकीकरण का जनक माना जाता है, तो पेस्टलाजी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोवैज्ञानिक में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है, उपयुक्त सभी। 23, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के लक्षण विशेषताओं में शामिल कौन सा है, उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोवैज्ञानिक में अंतर, तो आपका राइट आंसर ये भी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। यानी कि मनोवैज्ञानिक एक स्वतंत्र अनुशासन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है जो शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यवहार विज्ञान है। मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, उपयुक्त सभी। व्यक्ति का विकास, मनोविज्ञान का शोध, व्यवहार में परिवर्तन, ये सब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता संबंधित से क्या है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी कि आवश्यकता उपयोगिता क्या है, शिक्षक से है, शिक्षण से अधिकम, ठीक है, यानी कि टीचर, लर्निंग और टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य उपयुक्तता है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य उपयुक्त उपयोगिता नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य उपयुक्तता है, उपयुक्त सभी। विद्यार्थी का जानना, मार्ग निर्देशन में सहायता, स्वयं अपने आप को समझाना। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य उपयोगिता में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अधिगम में शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य उपयोगिता है, तो क्या है इसका आंसर, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की समस्या है, तो विशुद्ध ज्ञान, उपयुक्त सभी है, ठीक है। विशुद्ध ज्ञान ना होना, सैद्धांतिक व व्यापारिक पक्ष में अंतर, परीक्षकों के परिणाम सदैव शैव नहीं होना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के साथ संबंध कैसा है, उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक के साथ उद्देश्य, ठीक है, और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के साथ संबंध शामिल नहीं है, इनमें से कोई नहीं शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता के कारण, उपयुक्त सभी। छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, छात्र कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में, उपयुक्त सभी है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता के कारणों में शामिल नहीं है, इनमें से कोई। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन किसका है, स्कैनर का है, ठीक है, स्कैनर का है। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लिंडग्रीन में शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में चर्चा की गई है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अध्याय की, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की विधियाँ, ठीक है, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वर्तमान में शिक्षा मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, वो कितने विधियाँ हैं, तो 2 विधियाँ हैं, ठीक है। आत्मनिष्ठ अवलोकन निरीक्षण विधियों में शामिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बताया गया है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, वह 2 विधियां हैं, ठीक है। यह आंसर बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आत्मनिष्ठ अवलोकन निरीक्षण विधियों में शामिल है क्या है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। अंतर्मुखी अवलोकन, अंतर्दृष्टि विधि, निरीक्षण, बाह्य दर्शन, बाह्यमुखी अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि, ये सभी क्या है, सभी हमारे आत्मनिष्ठ अवलोकन निरीक्षण विधियों में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविश्लेषण परीक्षण उपचारात्मक एवं सांख्यिक विधियां हैं, तो उपयुक्त सभी। विवरणात्मक प्रतिपादन वस्तुनिष्ठ विधियों में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई शामिल नहीं है, चाहे वो प्रश्नावली विधि हो, तुलनात्मक विधि हो, मनो, ठीक है, ये सभी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अवलोकन परीक्षण उपचारात्मक एवं सांख्यिकी विधियाँ हैं, तो अवलोकन विधियाँ और विवरणात्मक विधियाँ, ये सब क्या है, सांख्यिकी विधियाँ है। क्वेश्चन नंबर 6, आत्मनिरीक्षण विधि का अन्य नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि, अनामुखी अवलोकन विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान की परंपरागत अर्थात सबसे प्राचीन विधि क्या है, आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि। मनोविज्ञान की परंपरागत अर्थात सबसे प्राचीन विधि आत्मनिरीक्षण विधि है। आत्मनिरीक्षण अंतर्दर्शन विधि के गुण और लाभ हैं क्या, विधि के गुण के लाभ हैं आपका शरण व उपयुक्त सभी है। प्रत्यक्ष अध्यापन, रचनात्मक विधि,
सरल व कम व्यय वाली विधियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आत्मनिरीक्षण और अंतन दर्शन विधि के दोष और गुण कमियाँ सीमाएँ क्या हैं, उपयुक्त सभी। मतलब अगर आपको एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जैसे चार ऑप्शन में उपयुक्त सभी आ रहा है तो 90% ऐसी उम्मीदें हैं कि उपयुक्त सही आपका राइट आंसर होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप 90% उम्मीद है आप उपयुक्त सही को टिक कीजिएगा, बाकी 10% की कोई गारंटी नहीं है कि सही है कि गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 10, स्काउट के अनुसार अंतर्दर्शन कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है, तो 3। कितने? 3 अंतर्दर्शन अवस्थाओं में पूर्ण होता है स्काउट के अनुसार, याद रखना। निरीक्षण विधि का अल्प नाम क्या है, बहिर्मुखी अवलोकन विधि, बहिर्दर्शन विधि। अवलोकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परीक्षण, देखना, निरीक्षण। अवलोकन के भाग नियंत्रित प्रयोगात्मक, अनियंत्रित प्राकृतिक अवलोक। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर, निरीक्षण विधि के गुण, महत्व, लाभ, विशेषताएं, उपयुक्त सभी, वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक, विश्वसनीय तथा प्रामाणिक। ठीक है, निरीक्षण विधि के दोष, अवगुण, कमियां, सीमाएं। ठीक है, ये सब क्या है, उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान की सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण विधि है प्रयोगात्मक विधि। जो चीज़ें मैंने जिस क्वेश्चन पे मैंने बल दिया है उस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा बार बार। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रयोगात्मक विधि से हम क्या कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हम सर्वाधिक उपयोगी मानते हैं। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1889 में किया गया, तो प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के गुण और लाभ क्या है, उपयुक्त सभी, वैज्ञानिक विधि, नियंत्रित वातावरण, प्रमाणीकरण। जीवन इतिहास के गुण और लाभ क्या हैं, ठीक है, तो जीवन इतिहास के गुण और लाभ क्या हैं, तो आपके सामने उपयुक्त सभी है। ठीक है, और ये आपका 20, प्रयोगात्मक विधि के दोष क्या हैं, ये भी उपयुक्त सभी होगा। बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि की अवस्थाएं 4 होते हैं, बहिर्दर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21, बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि की अवस्थाएं 4 होते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं, प्रयोगात्मक विधि 8 कब आया था, 1889 में आया था। प्रयोगात्मक विधि कितनी अवस्थाओं में, 8 है। साक्षात्कारता विधि के दोष और सीमाएं, तो यह आपका भी उपयुक्त सभी। ठीक है, सिगमंड फ्रायड किस विधि के जन्मदाता थे, तो मनोविश्लेषण विधि से। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षण विधियों में शामिल रहती है उपयुक्त सभी, मनोविज्ञान परीक्षा, शैक्षिक मापन, जांच सूचियां। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, और अगर आपका इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसके आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।